शुभ सवार, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 10:30 का टाइम है और मैं नहा धो के जस्ट अभी आई हूँ। सुबह से मैंने कुछ शूट नहीं किया, एडिटिंग कर रही थी बैठ के अपनी, और जस्ट नहाई और अभी जा रही हूँ किचन में विवेक के लिए चाय रखने। आज चाय के साथ हम लोग कुछ भी सूखा खाएंगे, नाश्ता वगैरह, चिवड़ा है थोड़ा और बिस्किट्स वगैरह है, परवारी बोलते हैं ना यहाँ पे, बोलते हैं आपको पता नहीं चलेगा, तो वो सब है। तो अभी तो सूखा खा लेंगे, फिर लंच प्रिपेयर करूँगी, आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और लंच में मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी आलू, और इस तरह से मम्मी बनाया करती थी और बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से भिंडी आलू, तो उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और देखती हूँ साथ में और क्या बनेगा, रशे वाला लाइक सब्जी बनेगी या दाल बनेगी, जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे देख लीजिए सब फैला पड़ा है, मॉर्निंग का टाइम है। और ये मैं विंडो बंद करके इसलिए बात कर रही हूँ, बाकी अभी तक खुली हुई थी, क्योंकि बाहर से इतना ज़्यादा ग्लेयर आता है ना कि लाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है कैमरे में, तो बात नहीं कर पाती हूँ, फिर से ओपन कर दूँगी। अभी डस्टिंग वगैरह भी बाकी है, आप सोचोगे 10:30 तक डस्टिंग बाकी है, बिकॉज मैं जैसे मैंने बताया एडिटिंग वगैरह कर रही थी तो रह गया, तो अब डस्टिंग करूँगी। और मतलब थोड़ा बहुत रीजनेबली सोफ़ा वगैरह ठीक कर लिया था एडिटिंग करने से पहले, क्योंकि मैं सोफे पर बैठ के ही एडिटिंग करती हूँ मॉर्निंग में। और बाकी सब बाकी है, डाइनिंग टेबल क्लीन करना है, रूम बनाने हैं, ये बनाना है रूम, ये भी गंदा पड़ा हुआ है, बच्चे यहाँ पढ़ते रहते हैं, रात को भी प्रिशा लेट नाइट तक पढ़ रही थी, फिर ऐसे ही छोड़ के सो गए। अभी उसने पढ़ाई भी शुरू कर दी है, क्योंकि उसका इस साल 10th है, और अभी दोनों सो रहे हैं, क्योंकि रात कितने बज गए थे, 1 बज गया था हमें सोने में, तो अभी सो रहे हैं। तो अब मैं उन्हें उठाने जा रही हूँ और चाय रखने जा रही हूँ। चलिए फिर सुबह की शुरुआत हो जाए गर्मा गर्म एक एक कप चाय से, बच्चों की भी रखूँगी। बच्चे चाय पीते नहीं हैं, सिर्फ बिस्किट डिप करते हैं, शाम को दूध पीते हैं वो लोग, मतलब शाम को इन द सेंस रात को, या तो सोने से पहले या फिर चाय जब हमारी होती है ना उससे 1 घंटे पहले पी लेते हैं वो लोग। ठीक है, चलिए फिर दिन शुरू करते हैं एक अच्छी सी स्माइल के साथ। आप लोग भी खुश हो जाइए और एक प्यारी सी स्माइल दे दीजिए। दिन जो चल रहे हैं बड़े अजीब से चल रहे हैं, सब लोग घर में पैक्ड हैं, हम भी पैक्ड हैं। अब तो मैं इनफैक्ट थकने सी लगी हूँ घर का काम कर करके, क्योंकि कोई सहारा नहीं, कोई हेल्प नहीं, लेकिन चलता है यार, सब जिंदगी के रंग हैं अलग अलग, इनको भी एंजॉय कर लिया करो। तो चलिए फिर एक अच्छा सा फ्रेश वाला दिन शुरू करते हैं और जाते हैं किचन में, बनाते हैं एक एक कप चाय। तो गाइस चलिए आगे बढ़ने से पहले फटाफट आपको सिर्फ 2 मिनट में बहुत अच्छी चीज़ के बारे में बता देती हूँ, जो कि छोटे बेबीज के मॉम के लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। मॉम के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाने वाली है, क्योंकि यहाँ मेरे हाथ में है मम्मा अर्थ का जेंटल क्लेंजिंग शैम्पू फॉर बेबीज़, और दूसरा है मम्मा अर्थ डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश फॉर बेबीज़। और मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट यू ऑल नो मेड सेफ, कोई केमिकल्स नहीं, ऑल नेचुरल। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री, हाइपो एलर्जेनिक, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, नेचुरल फ्रेग्रेंस, पीएच बैलेंस्ड, एंड वॉल्यूम है 200 ml, एंड इसके कॉस्ट की बात करें तो 199 rupees इसका कॉस्ट है। यही बात कर रही हूँ मैं शैम्पू की, ठीक है। बात करते हैं बेबी वॉश, ठीक है, ये भी यहाँ भी सब कुछ लिखा हुआ है, सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री, हाइपो एलर्जेनिक, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, नेचुरल फ्रेग्रेंस, पीएच बैलेंस्ड, वॉल्यूम 200 ml ऑल्सो इसका भी, और 199 इसका भी प्राइस है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेड सेफ, बिल्कुल सेफ है इनके प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए, आपको पता है अभी सारे इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करता है, एशियाज नंबर 1 मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड। तो अब तक आप काफ़ी टाइम से मतलब मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो जितने भी लेडीज़ मुझे वॉच करती हैं, जितनी भी मॉम्स मुझे वॉच करती हैं, सबने देखा होगा अभी सारे प्रोडक्ट मम्मा अर्थ के यूज़ करता है फॉर श्योर। इसमें कोई आपको टेंशन नहीं है इनको यूज़ करने के लिए, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा नेचुरल, बहुत ही ज़्यादा सेफ है। वो है इसके पीछे इन्ग्रीडियंट्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, इसे वी रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन वी यूज़। तो आप समझ सकते हो प्रोडक्ट्स इनके बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेगरेंस की बात करें तो दोनों के फ्रेगरेंस बहुत अच्छे हैं, अभी यूज़ कर चुका है कम से कम 2 से 3 बार, कई बार यूज़ कर चुका है अभी, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। चलिए राइट देयर आपको दिखा देती हूँ, जब मैं अभी को शैम्पू करती हूँ बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी हो जाते हैं, और जब आप इस बेबी वॉश को यानी कि बॉडी वॉश को, जो कि बेबीज़ के लिए इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश फॉर बेबीज़, जब आप इससे आपके बच्चे को नहलाओगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, और इवन बच्चे की स्किन को भी बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जेंटल हैं दोनों, बेबीज़ के लिए एकदम जेंटल हैं, बिल्कुल आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। चलिए आपको फटाफट से दिखा देती हूँ किस तरह से यूज़ करना है, जैसे मैं अपने अभी के ऊपर यूज़ करती हूँ, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, चेकआउट कर लीजिएगा, ये अवेलेबल है मम्मा अर्थ की वेबसाइट पे, अमेजोन पे और फर्स्ट क्राई पे। अगर आप लगाएंगे मेरे नाम का कूपन कोड यानी कि YouTuber20, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ, लेकिन आपको बाय करना पड़ेगा मम्मा अर्थ की वेबसाइट से। चलिए फिर आपको दिखा देती हूँ अभी किस तरह से यूज़ करता है।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम शैम्पू करेंगे तो उसके लिए बालों को गीला कर दिया है और थोड़ा सा शैम्पू का क्वांटिटी लेना है बस। बहुत ही अच्छी और बहुत ही भीनी भीनी सी फ्रेग्रेंस है और बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है ये बच्चों के हेयर्स के लिए, तो बस थोड़ा थोड़ा लेके लगा देना है, थोड़ा सा पानी लगा के इसके बाद इसको थोड़े झाग बना देने हैं, सारा जितना भी मैल है बच्चों के सिर में से निकल जाएगा एंड देन वॉश ऑफ कर देना है। और आप देख सकते हो बाल कितने ज़्यादा सिल्की नज़र आ रहे हैं और सूखने के बाद भी उतने ही ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही टेंडर जेंटल शैम्पू है ये बच्चों के लिए। तो चलिए अब बॉडी वॉश कर लेते हैं। तो इसी तरह से थोड़ा सा निकाल लेना है और आप सभी पूरे बॉडी पे बच्चों के लगा सकते हैं, चाहे तो हाथ से लगा दीजिए, चाहे लूफा से लगा दीजिए एंड देन वॉश ऑफ कर दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, यहाँ वॉश कर चुकी हूँ मैं हेयर्स, आप देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं हेयर्स और बहुत ही भीनी भीनी सी सुगंध आ रही है, बहुत प्यारी सी सुगंध है और बहुत ही ज़्यादा बालों को सॉफ्ट कर दिया है। इतना ज़्यादा जेंटल है कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने में। जैसे कि आप बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं मुझसे तो आप देख ही रहे होंगे कि हमेशा अवी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मम्मा अर्थ के ही हैं, चाहे वो बेबी क्रीम हो, बेबी लोशन हो, शैम्पू हो, बॉडी वॉश हो या टूथपेस्ट हो। सो ही इज़ सो हैप्पी आफ्टर दिस। तो यहाँ पे रखा हुआ है बॉडी वॉश फॉर बेबीज़ और दूसरी जगह पे रखा हुआ है मम्मा अर्थ जेंटल क्लेंसिंग शैम्पू फॉर बेबीज़। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं, हाईली हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए फिर अब आप आगे इन्जॉय कीजिए आगे का ब्लॉग। तो चलिए आ जाइए आप भी मेरे किचन में, निपटाते हैं सारे काम साथ साथ, बैठ के साथ में चाय पियेंगे। काश ऐसा कभी हो जाए, है ना, कि आप और हम लोग सब लोग साथ में बैठ के चाय पिएं। और मुझे पता है बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का मन है, तो जब कभी भी होगा मीट एंड ग्रीट तो ज़रूर पियेंगे साथ में चाय, डोंट वरी, मैं भी वेट कर रही हूँ उस दिन का। तो विवेक चले गए नहाने और मैंने सोचा था कि जैसे मैंने आपको बोला सूखा नाश्ता होगा चाय के साथ, लेकिन बोल रहे हैं कि मुरमुरा बना दो, मुरमुरा सेव। तो ये देखिए यहाँ पे सेव है, पहले मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, उसके रेसिपी शेयर करने का कोई मीनिंग नहीं है, आप लोग देख चुके हो सेव मुरमुरों की रेसिपी, हमारे यहाँ पे सबको काफ़ी पसंद है और ब्रेकफास्ट में अक्सर विवेक मुझसे बनवा लिया करते हैं, हल्के भी होते हैं, अच्छे भी लगते हैं, टेस्टी भी लगते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखिए अभी नहाई और अभी पूरी पसीने पसीने भी हो गई हूँ मैं। तो चलो फिर शुरू कर देते हैं, सबसे पहले चाय का पानी रखते हैं। ये देखिए सब यहाँ पे किचन वगैरह साफ पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ, सब मैंने सुबह उठते ही क्लीन कर दिया था, एडिटिंग करने से पहले सब सफाई कर दी थी, थोड़ा सा रात को गंदा रह गया था। ये देखिए पूरा किचन आपको दिखा देती हूँ, पूरा क्लीन पड़ा हुआ है, देखिए आपने सब साफ पड़ा है। और ये बर्तन इस तरह से मैं धो के रख देती हूँ, प्रिशा जब उठती है ना तो प्रिशा और अवि दोनों मिलके इनको रख देते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि एडिटिंग ये वो बहुत काम होता है इसीलिए गाइस। और यहाँ पे मैं किचन के कुछ कपड़े रखा करती हूँ, लेकिन अभी क्या है ना इतना टाइम नहीं मिल रहा ना, तय लगा के रखती हूँ, लेकिन मेरे अलावा कोई तय लगाता नहीं है, प्रिशा कभी कभी लगा देती है, बाकी तो कोई नहीं लगाता। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये कुर्ता पता है बहुत पुराना है, ये इसको हो गए हमें पहनते हुए ऑलमोस्ट 4 साल, और ये विशुद्ध ब्रांड का है और मैंने आई थिंक मिंत्रा या फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, विशुद्ध ब्रांड, तो ये काफ़ी अच्छा निकला है, प्योर कॉटन है। और ये फिर शुरू कर देते हैं काम, रख देते हैं चाय, आप भी रख लीजिए साथ में और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो चलिए मुरमुरे फ्राई कर लेते हैं, वैसे इसकी रेसिपी शेयर हो चुकी है तो बस इस बहाने आपसे थोड़ी बातें कर लूँगी, बिल्कुल भी रेसिपी शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले भी कई कई बार दिखा चुकी हूँ और ये बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ, हमारे यहाँ सबके बहुत फेवरेट हैं। एक्चुअली गुजरात में मुरमुरे का बहुत ज़्यादा फैशन है, मतलब सबको बहुत ज़्यादा पसंद है मुरमुरे, यानी ममरे, यहाँ पर ममरा कहा जाता है, और सुबह में ऑलमोस्ट चाय के साथ सभी लोग ये खाते हैं, इसके अंदर सेव, नमकीन, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं।
वैसे ब्रेकफास्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक पनीर पराठा, आलू पराठा, ये पराठा, वो पराठा, लेकिन विवेक पराठे थोड़े कम प्रेफर करते हैं, इनको ये अच्छा लगता है, ये लाइट भी है। तो ये देखिए टॉवल में घूम रहे हैं, नहा के आ चुके हैं। अब इसके अंदर मैं क्या क्या मिक्स करूँगी, सेव मिक्स कर रही हूँ जो हमेशा मिक्स करती हूँ, और आज विवेक बोल रहे हैं एक चीज़ और मिक्स कर दो, वो एक नमकीन लाए हुए हैं जो मुरमुरे में मिक्स करके बहुत अच्छी लगती है और बजट फ्रेंडली भी हो जाता है, क्योंकि अगर हम अलग से नमकीन खाएंगे तो बहुत सारी यूज़ हो जाती है। इस तरह से मिक्स करके खाओ, टेस्ट भी बढ़ जाता है और चीज़ें ज़्यादा टाइम तक चलती हैं। यार बजट भी तो देखना ही पड़ेगा ना, लॉकडाउन है, इनकम बिल्कुल बंद है। मेरी इनकम की बात भी मैं आपसे ज़रूर करूँगी, अगर आप जानना चाहते हैं ना कि मेरी यूट्यूब की इनकम कितनी है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको ज़रूर ज़रूर वीडियो बना के बताऊँगी कि मेरे यूट्यूब के अर्निंग्स क्या हैं, कितना कमाती हूँ मैं और आजकल कितनी अर्निंग हो रही है, पूरा डिटेल में बताऊँगी आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरी चाय ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, तो इसे छान लेंगे और मज़े से बैठ के गर्मा गर्म चाय एंजॉय करेंगे। एंड आई होप सुबह सुबह ये वाली चाय सबको पसंद आती होगी, क्योंकि एक कप चाय आपको पूरे दिन के लिए फ्रेश कर देती है, मुझे तो कर देती है। So, hi guys everyone, hi. मैं आज भी पानी बोल रही हूँ और अभी जस्ट हम लोग उठे हैं, लेट उठे हैं और कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग बोला था बस। तो चलिए हम लोग तो चले नाश्ता करने के लिए, आप लोग भी आ जाओ गर्मा गर्म मुरमुरे की नमकीन। और हाँ ऑफकोर्स सिर्फ इतना ही नहीं है, ब्रेकफास्ट में साथ में बिस्किट्स हैं, मुझे क्रैक जैक बहुत पसंद है, अभी को पार्ले जी बहुत पसंद है, प्रिशा को मोनैको बहुत पसंद है और विवेक खाते हैं मारे बिस्किट, तो ऑफकोर्स हम लोग ये भी कंबाइन करने वाले हैं और साथ में है मुरमुरा। तो चलो फिर लेट्स गो फॉर द टी। और ये है मेरी आदत हमेशा साफ़ करने की प्लेटफॉर्म। तो अब हमारी चाय हो चुकी है, यहाँ पे शुरू करते हैं हम आज के लंच की रेसिपी। और ये वाली सब्ज़ी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है गाइस, तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। भिंडी और आलू बना रही हूँ मैं, और वो भी एकदम डिफरेंट स्टाइल में, ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं। मेरे मम्मी इस तरह से कई बार बनाती थी, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। तो यहाँ प्याज थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, ये वाली सब्ज़ी में प्याज थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आपने देख ही लिया तीन प्याज हैं जिसमें एक बड़े साइज़ की है, दो मीडियम साइज़ की हैं। इसके अलावा मैंने एक टमाटर लिया हुआ है जो कि साइड पे रखा हुआ है, तो पहले हम प्याज चॉप कर लेंगे। ये देखिए मैंने आपको जूम करके दिखाया, बहुत ही छोटे, मतलब बहुत छोटे टुकड़े नहीं करने हैं, स्क्वायर पीसेज में काटना है, जो प्याज थोड़ा सा दिखाई दे सब्जी में तो बहुत अच्छा लगता है। टमाटर हम सिर्फ एक डालेंगे, अगर आपको ज़्यादा खटास पसंद है तो आप दो भी डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा ना डालें, नहीं तो भिंडी जो है वो चिपचिपी हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची काटी है दो, और ये मैं जिंजर के पहले जूलियन काट रही हूँ, यानी कि लंबे लंबे, और इसके बाद इसको छोटा 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 कट कर दूंगी मैं। तो अब आप देखिए ध्यान से, बहुत ही बढ़िया वाली रेसिपी है। भिंडी की सब्जी बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जाती है, कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अलग अलग तरीके, लाइक भिंडी मसाला ग्रेवी भी शेयर किया था आपको याद हो तो। अगर किसी ने वो व्लॉग ना देखा हो मुझे बता दीजिएगा, मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगी। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ गुजराती दाल की, और इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं करने वाली क्योंकि मैं पहले कई बार कर चुकी हूँ, बस इसीलिए शेयर नहीं कर रही हूँ। सिर्फ काम करते हुए आपको शो कर रही हूँ कि मैं आज लंच में क्या क्या बना रही हूँ, क्या क्या मेन्यू है मेरे घर पे। तो चलो इसको भी कुकर में चढ़ा देते हैं, बस इसी तरह से फटाफट काम चलता है। एक साइड पे सब्जी, एक साइड पे दाल, फिर एक साइड पे चावल और एक साइड पे रोटी, बस इसी तरह से हम औरतों का काम चला करता है। सभी औरतों को पता है ऐसे ही फटाफट काम करना होता है। तो भिंडी को इस तरह से काट लिया, आलू काट लिया, भिंडी को थोड़ा सा आपने नोटिस किया मैंने बड़े बड़े पीसेज में कट किया है, गोल गोल ही कट किया लेकिन बड़े बड़े पीसेज में। ये सब्जी मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में, यानी कि मस्टर्ड ऑयल में, बहुत अच्छा लगता है। करेला, भिंडी, लाइक ऐसी सब्जियां सरसों के तेल में बहुत ही बढ़िया लगती हैं। तो वेट करेंगे गरम होने का, सरसों के तेल को हमेशा तेज़ गरम करके ही आप सब्जी बनाएं, नहीं तो स्मेल आएगी। तो अब इसमें डालेंगे हम हींग और ज़ीरा और इसको फूटने देंगे। सबसे पहले डाल देंगे अदरक और हरी मिर्ची, बस कुछ सेकंड के लिए होने देंगे, ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही सेकंड। और इसके बाद जो हमने इतनी सारी क्वांटिटी में प्याज काटी हुई है इसको डाल देंगे, और इसको भी स्टिर करते रहेंगे, कांस्टेंट स्टिर करते हुए बनाना है। तो प्याज को हमें कितना करना है, बस थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, मतलब पिंकिश समथिंग, बस उतना ही करना है। और हींग मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, मैंने तो अब सिर्फ ज़ीरा डाला था, हींग बाद में डाल रही हूँ, आप चाहें तो साथ में डाल सकते हैं। और अब थोड़ा सा ही प्याज करना है, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा क्रंच रखना है प्याज में। फिर आलू डाल देंगे, आलू को अच्छी तरह से चला देंगे डालने के बाद,
आप चाहें तो आलू की क्वांटिटी ज़्यादा भी रख सकते हैं, इस तरह से आपकी भिंडी ज़्यादा भी बनेगी और आलू भिंडी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने पहली बार शेयर कर रही हूँ भिंडी आलू की रेसिपी। थोड़ा नमक डाला है मैंने और इसको ढक दूँगी थोड़ी देर ताकि आलू हमारे पहले पक जाएँ। थोड़ा हम भिंडी के साथ नहीं बनाते हैं आलू, मतलब एक साथ नहीं डालते हैं, क्योंकि आलू को पकने में टाइम लगता है और भिंडी एकदम पक जाती है, फिर आलू कई बार कच्चे रह जाते हैं या फिर भिंडी बहुत हलवा हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा कुक कर लेंगे, यानी कि 75%। तो यहाँ मेरा 75% आलू कुक हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने मसाले थोड़े से ऐड करूँगी, लाइक हल्दी, और ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, बाकी के मसाले मैं बाद में डालूँगी, पहले भिंडी को डाल दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ हल्दी, अभी तक सिर्फ हल्दी डाली, आपने देखा सिर्फ हल्दी पड़ी हुई है, और अब मैं डालूँगी नमक। बस हल्दी और नमक में पहले मैं इसे पकाऊँगी, उसके बाद मसाले डालूँगी जब थोड़ी सी सब्ज़ी और पक जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। ऐसे मैं पहले भी कई बार बना चुकी हूँ, लेकिन आपके साथ फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, बीच बीच में मैं उघाड़ के ना, मतलब हटा के ढक्कन चला रही हूँ, बीच बीच में ढक रही हूँ फिर चला रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी भिंडी भी थोड़ी सी हाफ कुक जैसी हो गई है। तो अब टमाटर डालेंगे। टमाटर हमने क्यों बाद में डाले, क्योंकि पहले डालते तो हलवा हो जाते, मुझे थोड़ा सा क्रंची चाहिए, अच्छा लगेगा। यहाँ पे अब हमें सारे मसाले डालने हैं, लाइक मिर्ची मैंने डाली, चिली फ्लेक्स डाली, कश्मीरी मिर्ची डाली कलर के लिए, और जो भी आपको डालना है लाइक धनिया पाउडर वगैरह, वो भी आप यहीं पर ऐड कर सकते हो, जो भी आपको डालना है। तो ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है, इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट भी लगेगा, यू नो, भिंडी की सब्ज़ी को अलग अलग तरह से बना के खाना चाहिए। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, कुछ ही ड्रॉप्स, ताकि जो मसाले हैं वो नीचे लगे ना, बस इसीलिए। तो आप देखो कितनी कलरफुल सब्जी बनी हुई है। बस अब इसको ना हम खुला करके ही पकाएंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा अमचूर पाउडर, ऐसी भिंडी में अमचूर बहुत अच्छा लगता है, तो आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, वैसे टमाटर है थोड़ी खटास तो होती है। तो अब हमें बस इसको खुला करके थोड़ी देर पका लेना है और तैयार हो जाएगी हमारी डिलीशियस सी सब्जी। तो इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एक तरह से भिंडी की सब्जी खाते आप भी बोर हो गए होंगे, तो थोड़े नए स्टाइल में ट्राई कीजिए। ये देखिए कितनी यमी लग रही है, इंटरेस्ट मी, वॉइस ओवर बाद में हो रहा है, बहुत ही अच्छी बनी थी। तो आप भी इस तरह से भिंडी आलू बना के एंजॉय कीजिए, लंच में बहुत मज़ा आएगा, डिनर में भी बना सकते हो। तो चलो फटाफट यहाँ पे मैं गुजराती दाल में तड़का लगा रही हूँ। ये मैं आपको रेसिपी नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपसे बातचीत करूँगी। तो आजकल मेरे ख्याल से सभी लेडीज़ नए नए खाने बना रही होंगी। यस, मेरे घर में भी यही चल रहा है। और पता है, विवेक ने एक नया काम शुरू किया है, मतलब अब इन्होंने मुझे परेशान करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। वो ये कि बात बात पे नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस है इसलिए परेशान है, लेकिन नहीं, कल इन्होंने ये राज खोला कि मतलब तुम मेरे पे अटेंशन दो इसलिए मैं तुमसे नाराज़ होता रहता हूँ जब मैंने ज़्यादा पूछा, क्योंकि इनका मुंह फूला रहता है। फिर जब मुंह फूला रहता है ना, तो लेडीज़ हमेशा हस्बैंड से पूछती रहती हैं, आपको क्या हो गया, आपको क्या हो गया, क्यों आप चुप बैठे हो। तो फाइनली मेरे हस्बैंड की पोल कल खुली है, तो उन्होंने रात को मुझे बताया कि तुम मुझ पर अटेंशन दो, क्योंकि तुम तो बहुत ज़्यादा बिजी रहती हो, बस इसीलिए मैं जो है तुमसे नाराज़ हुआ करता हूँ, चुपचाप बैठ जाता हूँ। नो डाउट उनको फाइनेंशियली तो क्राइसिस है ही, लेकिन वो बोल रहे थे कि इसके अलावा कई बार मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए होती है। तो यहाँ पे देखिए, विवेक जी आ गए मुझे मस्का मारने, पराठे बना रहे हैं मेरे साथ खड़े हुए, देखिए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, ये भाकरी से की जा रही है, मेरी बीवी ने बनाया है, लेकिन इसे बीवी को सपोर्ट किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ मैंने बेल के लगा दिए हैं, इन्होंने ना एक्चुअली आज आटा बांध के दिया मुझे, क्योंकि मैं सुबह से कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया है, तो आटा इनसे ना कड़क लग गया, नहीं तो रोटी बनाने का सोच रही थी मैं, पर अब कड़क लग गया फिर से। तो आज मम्मी से भी बात हुई थी मॉर्निंग में, वीडियो कॉल पे बात की ना आज आपने। yes. मम्मी क्या बना रही थी, मास्क बना रही थी ना घर पे, वेस्ट कपड़ों के। अच्छा है वैसे, मास्क तो कुछ भी लगाया जा सकता है ना विवेक, घर पे बना हुआ भी, लाइक कपड़े का कहा तो है ये चीज़, हाँ कि घर पे बना हुआ मास्क लगा सकते हैं। तो गाइज, अब मैं आपको लंच करके मिलती हूँ। यहाँ है चावल और ये है भाकरी जो विवेक बना रहे हैं, ये देखिए कैसे कड़क कड़क भाकरी बना रहे हैं ये। इतना कड़क आटा था ना कि बेला भी नहीं जा रहा था मुझसे। तो ये अकेले बना रहे थे तो मुझे लगा कि यार चलो मैं भी एक तवा रख लूँ। तो ये मेरा पुराना वाला तवा है, ये मैंने गैस पे चढ़ा दिया, क्योंकि वो अकेले कब तक बनाते, उनको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, और काम करते करते वो यही बोल रहे हैं कि तुम कैसे कर लेती हो इतने सारे, रोज़ रोटियाँ बनाती हो, पराठे बनाती हो, तीनों टाइम कुछ ना कुछ बनाती रहती हो, किचन में घुसी रहती हो, तो कैसे मैनेज करती हो इतनी गर्मी में। बट करना पड़ता है यार, अपनी फैमिली को हम औरतें बहुत प्यार करते हैं, और पता है ये सब करते हो मेरी उंगली भी आज जल गई है। तो चलो खाना तो तैयार हो गया, अब थाली सजा लेते हैं। ये देखिए कितनी
कितनी डिलीशियस लग रही है सब्ज़ी। मेरे कहने पे एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और साथ में अगर हो गर्मा गर्म पराठे, वैसे तो मैं रोटी बनाने वाली थी लेकिन उन्होंने आटा बहुत कड़क कड़क लगा दिया था तो फिर पराठे बनाने पड़े। और इसकी शेप भी इसीलिए ऐसी अजीब सी हो रही है क्योंकि इन्होंने गुजराती भाकरी टाइप आटा लगाया था, बहुत ही कड़क वाला, और ये है गुजराती दाल। तो आ जाइए, थाली एकदम तैयार है, आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए मेरे हाथ का खाना। तो आई होप आपको पसंद आया होगा आज का मेन्यू। चलिए फिर मैं खाना खा लेती हूँ और उसके बाद आराम से मिलते हैं, ठीक है। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, और हम अभी खाना खा रहे हैं और मैंने आज वन पीस में ला है क्योंकि आज मम्मी के कहने पे। मम्मी के कहने पे? हाँ, मम्मी के कहने पे, खाने पे खाने पे। ओके गाइस, तो हमारा लंच वन सब हो गया और काम निपटाते मुझे कितना टाइम हो गया है, एक मिनट। हालत देखिए कैसी होगी, चेहरे पे 12 बज गए काम करते करते। 2:43 हो रहा है, यानी कि 2:45 हो रहे हैं। कैसा था खाना बेटा? सुपर मज़ा। हेलो गाइस, और खाना खा लो, खाना खा लो, सबने खा लिया होगा। तो ये देखिए मैं क्या लेके बैठी हूँ, ये मैंने हलवा बनाया था थोड़ा सा सूजी का, टेस्टी वाला, बचा हुआ रखा था फ्रिज में, वो गर्म किया है क्योंकि आजकल है ना हमारे यहाँ आए दिन सूजी का हलवा बन रहा है। इसको प्रिशा को बहुत अच्छा लगता है। क्या हुआ? मैं व्लॉग एंड करने के पहले आ गई क्योंकि मुझे मेरे बिना व्लॉग एंड नहीं हो सकता। और मैं बोलूंगी लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन व्हेन मम्मा विल पुट द वीडियो। अब आप बात करो, हो गया? तुम सब उठा के रख दो वहां से। आपने देखा ही होगा हम जब रोटियां बना रहे थे, मतलब गुजराती भाकरी बनाई थी इसके साथ, तो विवेक ने मेरी हेल्प की। एक तवे पे वो सेक रहे थे, एक तवे पे मैं सेक रही थी। थक बहुत गई हूँ, नॉनस्टॉप काम करती हैं हम लेडीज, सीरियसली यार, हेड्स ऑफ टू ऑल हाउसवाइफ्स। अभी देखो आप 2:45 बज रहे हैं और मैं कॉन्स्टेंट कब से काम कर रही हूँ आपको बोलूँ? मैं सुबह 8:30 बजे सो के उठी थी, तब से नॉनस्टॉप मैं जो है काम कर रही हूँ, बिल्कुल भी बैठने का वक्त नहीं मिला है। बीच में कभी सब्जी काटी है, कभी ब्रेकफास्ट, ये वो करते करते ही टाइम हो गया। तो आजकल सूजी का हलवा बहुत बन रहा है मेरे घर, जब भी कुछ मीठा खाने का मन करता है ये दूध वाला हलवा मैं बना लेती हूँ। तो फ्रिज में रखा होता तो इसको गर्म किया है, काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी रेसिपीज तो मैं ऑन एंड ऑफ शेयर किया ही करती हूँ, इसलिए हर बार बनाती हूँ तब नहीं करती, और आज मेरा हाथ भी जल गया, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। जब मैं अभी भाकरी बना रही थी ना दूसरे तवे पे, तो थाली रखी थी तवे के बाजू में, गर्म हो जाती है ना वो, उस पर हाथ टच हो गया, काफ़ी जला, काफ़ी देर तक जला। तो विवेक बोले भी कि माय गॉड गर्मी बहुत लग रही है पराठे बनाने में और तुम्हारा हाथ जल गया, अब तुम कैसे काम करोगी, बैठ जाओ। मैंने बोला रहने दो, कोई बात नहीं, हम औरतों का तो वैसे भी आग से नाता होता है। कैसा नाता होता है वो आपको भी पता है, लाइक आग और औरत का नाता वो किचन से, बिकॉज हम किचन में। ये क्या हो रहा है? अरे कहाँ से आए हो बबुआ, किधर जाना है? हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए हो? बिहार को ना ना, ट्रेन तो चलत नहीं रही, अब कौन सी ट्रेन में जा रही? मम्मी के पास आ रही थी। बैठो बैठो, यहाँ पे बैठ जाओ आराम से। फायर फायर, यू नो वुमन एंड फायर, ये हमारा नाता बड़ा गहरा होता है क्योंकि कोई भी औरत ऐसी नहीं होती होगी जिसे खाना बनाते हुए ऑन एंड ऑफ हाथ ना जलता हो, है ना? मुझे कमेंट करके बताना, मेरा तो आए दिन जलता है और हमेशा ये दुखी होती है जब भी जलता है। दुख तो हो गई ना मम्मा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, और हाथ जल भी जाए तो हम कभी परवाह नहीं करते हमारी, हम नॉन स्टॉप काम करते हैं किचन में, ये सब करते होंगे, है ना? तो विवेक वही बोल रहे थे, मैंने उनको यही बोला कि आप टेंशन मत लो, मुझे तो आदत है क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कहीं भी जल जाता है, कभी कढ़ाई पे टच हो जाता है, कभी तवे पे टच हो जाता है, कभी गर्म भाप लग जाती है रोटी की, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इसलिए ध्यान नहीं दे सकते हम औरतें। चलिए गाइस, इस ब्लॉग को मैं बैंड करूँगी, जाओ डैडी बुला रहे हैं, बिकॉज मेरे को ना अब थोड़ा सा एक बार वापस नहाऊंगी। अब कुछ लोग जो कहते थे ना कि आप दोबारा क्यों नहाते हो, तो आज समझ जाओगे आप लोग, सभी को पता है सभी औरतें ये काम करती हैं कॉन्स्टेंट नॉन स्टॉप, हम इतनी गर्मी में खड़े रहते हैं ना कि पसीने पसीने। विवेक मुझे बोल रहे थे तू कैसे कर लेती है, क्योंकि जब भी वो रोटियां बनाते हैं आजकल हमेशा उनको बहुत पसीने गिरते हैं और वो बोलते हैं तुम कैसे करती हो, लेकिन हम औरतों को तो करना ही पड़ता है। लॉकडाउन आप लोगों के लिए, सबके लिए हो सकता है, मतलब मर्द लोगों के लिए या बच्चों के लिए, सबके लिए, पर हम औरतों का लॉकडाउन कभी नहीं होता, हम तो हमेशा नॉनस्टॉप काम करते हैं, तो ही हमारी फैमिली खुशी और क्या बोलते हैं सुख से रह सकती है, क्योंकि हम अगर बैठ जाएंगे तो पूरा परिवार बैठ जाएगा, ऐसे वाली बात है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, बहुत लंबे लंबे ब्लॉग्स मैंने बनाने कम कर दिए हैं,
तो चलो फिर इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। इस आशा के साथ आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ बहुत सारी रेसिपीज़, ब्यूटी टिप्स, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय 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 गाइज। तो अब हमारा दूसरा व्लॉग शुरू करेंगे हम, है ना। चलिए बाय गाइज़।